हेलो। अभी मूर्छा वाला आरंभ कर दीजिए। जी, तो जो अगला विषय हमारा है, जो ग्रीक निष्कृता में मूर्छा से संबंधित विषय रखेंगे। किडनी पेशेंट को जो मूर्छा हो जाती है, अचेत हो जाते हैं रोगी, तो उसके लिए हम क्या क्या औषध लेंगे, उसके लिए क्या क्या औषध शास्त्रों में वर्णन है आयुर्वेद के आधार पर, उन सभी कार्यों के बारे में वैद्य जी आज हमें बताएंगे। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि वैद्य जी मूर्छा के विषय पे आलोचना करें, वृक्क निष्क्रियता में क्या क्या औषध हो सकता है, उसके लिए हम क्या क्या औषध सेवन करें, रोगी को क्या क्या सेवन करें जिससे कि रोगी आरोग्य हो सके। नमस्ते। जी वंदे मातरम। किडनी फेलियर के रोगी में जब बार बार मूर्छा होने लगे, या तो मूर्छा हो जाए तो फिर उसका होश आने में समय लगे, तो उसके लिए भी आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारा औषधियाँ बताया गया है। ज्यादा औषधि नहीं है, लगभग 20, 25 या तो 30 औषधियाँ है। तो उसके क्या क्या औषधि बताया है तो मैं आप लोगों के सामने आज बताने जा रहा हूँ। तो कुछ कषायकल्प है, जैसे कहा गया है कि महोषादि कषाय करके एक औषधि है, जिसको यदि रोगी बार बार मूर्छा हो रहा है, जब वो उसको होश आने लगे तो उसको होश आने बाद में तुरंत उसको यदि महोषादि कषाय का जब हम प्रयोग करा देते हैं, सेवन करने के लिए देते हैं, तो फिर बाद में वो दोबारा उसको मूर्छा नहीं आती। ठीक उसी तरह दुरालभादि कषायम करके औषधि है, तो इसका भी जब हम प्रयोग एक बार दे देते हैं, एक दो बार, तो फिर बाद में उसको मूर्छा नहीं आती। ठीक उसी तरह द्राक्षादि कषायम है, फिर पंचमूल कषाय है। ये पंचमूल कषाय जो है चरक संहिता में बताया गया है, सूत्र स्थान में आप देखेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, सूत्र स्थान में बताया गया है। और इसको त्रिमर्मीय अध्याय में भी चरक संहिता में चरक जी ने बताया। तो इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक कषाय है जिसका नाम है सतावर्यादि कषाय। तो सतावर्यादि कषाय का जब भी जब प्रयोग करते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई भी जड़ी बूटी कोई भी औषधि नहीं है, तो कम से कम आपके घर में मधु तो है। और ऐसा कहा गया है कि जिनके घर में मैंने एक बार कोई संहिता पढ़ रहा था, तो उसमें कहा गया है कि जिनके घर में मधु और घृत असली वाला हो, अच्छी गुणवत्ता वाली हो, और नया नया हो, नया यानी कि पुराना ना हो, पुराना भी होगा तो भी कोई बात नहीं, परंतु सेवन करने के लिए नया होना चाहिए और लेपन के लिए मालिश करने के लिए पुराना होना चाहिए। तो यदि घृत और मधु यदि सदा जिनके घर में रहता है, उनके घर में रोग है ना, बहुत सोच समझ कर आते हैं। रोग तो हमारे शरीर में ही रहते ही रहते हैं, क्योंकि 88,000 की संख्या में रोग है, परंतु रोग जो है ना इसका कहने का अर्थ है कि हर घर में हर किसी के घर में घृत और मधु होना ही चाहिए, इसका अर्थ ही है। तो आपके या आसपास कोई औषधि नहीं है तो आपके पास मधु है तो मधु ही आप सेवन करने के लिए दे दीजिए। तो मधु का जब हम सेवन करने के लिए देते हैं तो आपको भी जो है ये मूर्छा नहीं आएगी दोबारा, परंतु उसको शीतल जल यानी कि जो मिट्टी का मटके बर्तन जो पानी होता है उसी बर्तन का पानी 1 कप लीजिए और उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए किडनी फेलियर के रोगी को, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। फिर उसको दोबारा मूर्छा नहीं आती, होश बेहोश नहीं होता है, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ये कुछ कषायकल्प हो गया था। अब मैं कुछ अवलेह कल्प में बताऊंगा कि क्या क्या अवलेह बताया गया है। तो सबसे पहले ऐसा बताया गया है पद्म का अवलेह। पद्म का अवलेह यानी कि जो पद्म यानी कि जो कमल फूल होता है, कमल के फूलों को उसका रस निकाल करके उसको एक प्रकार का अवलेह उसकी बनाई जाती है, और उसमें कुमुदनी है, कमल है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे ज्योतिषमती है, मालकांगनी है, बच है जिसको घोड़ा बच बोलते हैं, फिर शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, भृंगराज है, ये सब जितने सारे जो हमारा जो मेधावर्धक है, जो स्मृति पटल को ठीक करने वाले, मस्तिष्क को शांत करने वाले, वो सब औषधि मिला करके ये अवलेह बनाई जाती है। और उसमें फिर तेज पत्ता, दालचीनी, ये सब इलायची का बीज, ये सब ढाला जाता है अंत में, तो ये बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक अवलेह है जिसका नाम है द्राक्षावलेह है। ये जो द्राक्षावलेह है ये खांसी में प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को मालूम है, जिसको खांसी में, दमे में, श्वास रोग में प्रयोग किया जाता है। परंतु जब मूर्छा हो जाता है, बार बार मूर्छा होना, बेहोश होना, तो उसमें जब हम किडनी फेलियर के जब हम प्रयोग करने के लिए देते हैं तो ये बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और औषधि एक एक अवलेह है जिसका नाम है गुड़च्यादि अवलेह। गुड़च्यादि अवलेह का भी जब एक एक चम्मच की मात्रा में जब हम प्रयोग करने के लिए देते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है बोधक अवलेह।
हो गया। अब मैं आप लोगों को उसके मतलब सर में क्या क्या मतलब मालिश करने के लिए दे सकते हैं तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ऐसे मतलब कहा गया कि जात्यादि तेल है, जात्यादि तेल ये मतलब आप लोगों को मालूम है, जात्यादि तेल जब हम मतलब किसी को बवासीर हो जाता है या तो घाव भरता नहीं है तो घाव भरने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। परंतु यही जात्यादि तेल और एक बात वैद्य जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कृपया जात्यादि तेल से पुनः बताएं। हाँ एक मिनट क्षमा चाहता हूँ, एक फोन आ गया था जिसके वजह से नेटवर्क मतलब। हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ जो जात्यादि जातीय तेल तेल से है पुनः बताएं, जात्यादि तेल जी से। जी 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 जो जातीय तेल है वो बवासीर में मतलब दिया जाता है मलद्वार में लगाने के लिए रुई के माध्यम से, या तो कहीं पे मतलब किसी का व्रण मतलब भरने के लिए जिसको व्रण रोपण करने के लिए दिया जाता है, मतलब जिसका घाव सूखता नहीं है या तो शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट में कहीं पे कोई घाव हो जाता है, उंगली कट जाती है, व्रण हो जाता है तो फिर वो सूखता नहीं है, तो उसके लिए जातीयादि तेल, काशी सादी तेल ये सब मतलब प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, आप लोगों को मालूम है। तो परंतु यही जो जातीयादि तेल है जब हम इसको मतलब सर में मालिश करने के लिए देते हैं तो इसमें चमत्कार परिणाम मिलता है। परंतु देखेंगे तो जातीयादि तेल केवल मालिश करने के लिए लिखा है, घावों में भरने के लिए, किडनी फेलियर के रोगी को बेहोश में जातीयादि तेल की मालिश करना है मस्तिष्क में, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ना ही उस शीशी में लिखा है। तो फिर आप मतलब वहां पे चक्कर में मतलब ना पड़े, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं तो हम कैसे पढ़ेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे, पता नहीं इसका फिर क्या साइड इफेक्ट होगा, ये अपने मन में दुविधा ना मतलब ना लाए, ये शंका संकोच आशंका ये मन में ना आए, संशय को स्थान ही ना दे। क्योंकि जातीय तेल का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, क्योंकि मतलब एक बार ऐसा हुआ कि जातीय तेल है ये मतलब मैंने एक रोगी को दिया था, उनके घर वालों को, मैं जो बता रहा हूँ वो अनुभव से बता रहा हूँ, इसके लिए मतलब मैं इतने मतलब बात मतलब कह सकता हूँ, मतलब दावे से मतलब बता रहा हूँ। तो मैंने उसको मतलब उनके जो माताश्री है उनको, माताश्री को मतलब बवासीर हुआ था तो बवासीर को ठीक करने के लिए मैंने उनको जात्यादि तेल का उनको दे दिया था लगाने के लिए, रुई के माध्यम से लगाने के लिए। पर जब मतलब इसका किडनी मतलब थोड़ा यूरिया क्रिएटिनिन उसका मतलब बढ़ा हुआ है और उसका बच्चे का मतलब विवाह हो गया था तो फिर बाद में उसके मतलब बहुत बार 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 बेहोश होने लगा, यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ था और उसके साथ में उसको मतलब नींद भी नहीं आ रही थी परंतु उसको बेहोश बार बार हो रहा था। परंतु उसको नींद भी के लिए मतलब हम कोई औषधि देते हैं तो सेवन नहीं करता था कि मुझे मतलब नशा नहीं करना है, नींद की सारी उसके ऐसा मन में बहम मतलब बहम हो गया था कि आयुर्वेद की औषधियां भी मतलब नींद के लिए देते हैं तो वो नशा करता है, इसके लिए नींद के लिए कोई औषधि कोई काढ़ा वो सेवन नहीं करता था। तो मैंने बोला उनकी माता जी को कि क्योंकि उनके पिताजी नहीं रहते, उनके पिताजी का मतलब मृत्यु हो गया था, तो मैंने उनके माता जी को बोला कि आप एक काम करिए उनको तेल मालिश करने के लिए दीजिए। तो बोले कि मतलब तेल क्या देना है, मैंने उनको बोल दिया कि आप एक काम करो ब्राह्मी तेल, भृंगराज तेल, कोई भी तेल लगा दीजिए। तो उनके उन्होंने बोला कि मेरे घर में एक तेल लिया था आपके आपके यहाँ से लिया था, शायद वो ब्राह्मी तेल ही होगा तो मैं वहां लगा दू। तो मैंने लगा हाँ चलो ब्राह्मी तेल है तो लगा दीजिए, तो मालिश कर दिया। तो मालिश करने के बाद में उसको जो मतलब दिन में 2 बार 3 बार ऐसा मतलब हर दिन मतलब प्रत्येक दिन उसको बेहोश होता था, मूर्छा आ जाती थी। तो जैसे ही उन्होंने मतलब वो तेल लगा दिया तो एक दिन मतलब मालिश करने के बाद में उतने लगभग 4-5 बजे मालिश कराया, 40 मालिश करने के बाद में उसके दूसरे दिन से उसको मतलब मूर्छा आना बंद हो गया। तो वो पूरा मतलब दौड़ी आई, बोले कि यार तो चमत्कार हो गया। वो बोला कौन सा तेल लगाया था मुझे भी बताओ, क्योंकि मतलब ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है कि वैद्य चाहे वो कितने भी मतलब उम्र हो जाए, आयु वाले हो जाए, वो कितना भी मतलब आप पढ़ा लिखा हो, आपको जो सीख है ना वो रोगी से ही मतलब सीखने के लिए मिलता है, ये प्रैक्टिकल मतलब नॉलेज जो ना रोगी ही आपको मतलब सिखाते हैं, ये आपको कोई भी मतलब पुस्तकों में ग्रंथ से आपको नहीं सीख सकते, ये रोगी ही आपको सिखाता है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे बताइए वो कौन सा तेल था, क्योंकि मतलब मुझे भी मतलब तो मैं भी किसी को बता सकता हूँ ना कि मतलब ये तेल से आप मतलब देखे देखिए 1 दिन मालिश करने से आपको मूर्छा नहीं आएगी। तो जब मतलब उसका तो पूरा एकदम जो स्टिकर था बैद्यनाथ कंपनी का ही मतलब मैंने उनको दिया था, जो स्टिकर था वो एकदम फटा फटा सा मतलब था, तो वो लेके आई, तो लेके आए तो उसमें मतलब जात्या इतना ही मतलब मुझे मालूम पड़ा। तो मैंने बोला ये तो बवासीर में प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, आप ले कभी लिया था क्या? बोले हाँ आपने दिया था ना लगभग 1 साल पहले ही मतलब मैंने लिया था बवासीर के लिए, तो आपने ये तेल दिया था। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं बवासीर का तेल आपने कैसे लगा दिया,
क्योंकि परिणाम तो अच्छा मिला है, एक ही दिन में प्रयोग 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 करने से बहुत अच्छा फायदा मिला है। इसके लिए आप लोग भी मतलब कभी ऐसा किडनी फेलियर के रोगी जब मतलब मूर्छा हो जाए तो जातेदी तेल का आप वहां से मतलब मालिश कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पढ़ा भी मतलब मैंने नहीं है, और मैंने ये प्रयोग मतलब परिणाम मिलने बाद में मैंने पता नहीं 40-50 वैद्यों से मतलब मैंने संपर्क किया, ये बात मतलब मैंने पूछा क्या जातेदी तेल मतलब सर में मालिश कर सकते हैं क्या जब मतलब मूर्छा मतलब हो जाता है, तो सबसे मतलब मुझे सभी वैद्य जन से मुझे गाली पड़ी, मतलब ऐसा बोले कि आप कैसे वैद्य है जाते देते लोग मतलब कोई मूर्छा में देते हैं क्या सर में मालिश करने के लिए, तो बोला नहीं मेरा मेरे दिमाग में आ गया मन में आ गया तो मैंने ऐसा पूछा है, मतलब आपके मतलब कैसा दिमाग है मतलब दुनिया भर की मतलब आपके बात आपके मन में आता है दिमाग में आता है आपको, मतलब और कोई चीज अच्छी चीज मतलब सोचने के लिए नहीं मिलता है ऐसे, मतलब मुझे हमने मतलब जो वैद्य का जो संघ होता है वहां से मुझे रिप्लाई मिला, परंतु मैंने किसी को बताया नहीं कि मतलब ये जातीय तेल से प्रयोग से उसको मतलब मूर्छा नहीं आई है, मतलब फिर दोबारा कभी नहीं आई, और अभी तक वो रोग मतलब रोगी जो है वो स्वस्थ है, उसका यूरिया क्रिएटिनिन भी मतलब बराबर है नॉर्मल है, और वो उसको मतलब उस दिन से आज तक कभी मूर्छा नहीं आई, और वो कोरोना के समय में वो थोड़ा मतलब कमजोर दिल वाला था, मतलब थोड़ा उसका हृदय का भी मतलब थोड़ा मतलब जो डर डरा डरा होने वाला था, मतलब एकदम मतलब डरा होने वाला, मतलब जो बोलते हैं ना कि उसका मतलब दिल कमजोर है वो कुछ भी सुनता है तो मतलब उसको हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना कि वो मतलब मूर्छित हो जाएगी, वो तो ऐसा हृदय मतलब हृदय वाला था मतलब कमजोर दिल वाला, परंतु कोरोना के समय में उसके मतलब मामा गुजर गए, चाचा गुजर गए, उसकी छोटी बहन थी वो गुजर गई, और उसके बहुत सारे मतलब जो मतलब पहचान वाले थे सगे संबंधी उसके गलियों में बहुत सारे मतलब रोगी मतलब मर गए, परंतु उसको कुछ नहीं हुआ मतलब बेहोश नहीं आया, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जातेदी तेल का मालिश करने से दिमाग को भी बल देता है और साथ में मन और मस्तिष्क को भी बल देता है, इसके लिए आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है ताम्र भस्म, ये ताम्र भस्म मतलब पेट के रोगी को दिया जाता है, परंतु जब मतलब ताम्र भस्म का थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब 10-10 मिलीग्राम की मात्रा में अधिक नहीं देना है, 10 मिलीग्राम की मात्रा में देना है, मतलब 1 ग्राम का आपको 100 हिस्सा मतलब करना है, और उसको एक हिस्सा आपको मतलब मधु के साथ में चटाने के लिए देना है, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है सुप्रचेतना गुटिका, सुप्रचेतना गुटिका करके मतलब औषधि मिलती नहीं है, आपको मतलब किसी वैद्य से आपको मतलब बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब एक औषधि है जिसका नाम है मूर्छांतक रस करके औषधि है, ये किसी भी प्रकार का मतलब मूर्छा हो तो उसमें प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, तो आप इसका मतलब प्रयोग करा सकते हैं। और एक मतलब आपको जानकारी दूं कि नारिकेल जो होता है नारिकेल, ये नारिकेल सबसे अच्छा है, ये ध्यान में रखना है कि नारिकेल आपको आप लोगों को मालूम है कि नारियल नारियल का बहुत मतलब प्रयोग मतलब हमने तो बताया है नारियल का मतलब क्या क्या मतलब प्रयोग हो सकता है, हमने मतलब जब मतलब नारियल के विषय में मतलब प्रयोग किया था मतलब सत्र हुआ था तो हमने बहुत सारा मतलब उसमें प्रयोग हमने बताया, तो नारियल का भी मतलब उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, इसके लिए आप मतलब नारियल का मतलब लेना है, कैसे लेना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको मतलब कोई भी सत्तू मतलब बनाइए, सत्तू मतलब आप जो मतलब सत्तू होता है ना जो सत्तू का हम सेवन करते हैं, ये बृहत निगंड रत्नाकर का मतलब योग है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये मूर्छाधिकार में वहां पे बताया है, तो सत्तू मतलब समान मात्रा में खांड मिला लीजिए, और खांड मिला करके उसको एक नारियल के पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए, तो ये मतलब जो होता है मतलब क्या होता है ये जो किडनी फेलियर का जो बार बार मतलब जो हो जाता है ना मतलब बेहोश मूर्छा, तो उसको फिर दोबारा मतलब मूर्छा नहीं होगी, तो इसका भी हम मतलब प्रयोग करा सकते हैं, यदि आपको कुछ भी नहीं मिले तो केवल नारियल का पानी को भी मतलब उसको पीने के लिए दे दीजिए, और मतलब आपको एक बार बता दो ये जो मतलब स्त्री का जो दूध होता है जिसको नारिक से मतलब कहा जाता है जो माता का दूध जो बच्चे पीते हैं, तो यदि मतलब मान लीजिए 1 गिलास दूध यदि मिल जाएगा तो उसी दूध का जो है उसके सर में मालिश करना है, यदि मतलब ये शर्म की बात नहीं है ये सच में औषधि की मतलब काम करता है, यदि मतलब किसी स्त्री का कच्चा दूध मतलब दूध मिल जाए तो उसको ला करके उसके मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसके सर में मालिश करना है, जो कि किडनी की रोगी को मतलब बार बार मूर्छा आ जाती है हो जाती है बेहोश हो जाती है, तो इसको मतलब केवल 1 सप्ताह तक करना है प्रतिदिन, और इसको मालिश करने से उसको मतलब थोड़ा सर्दी हो सकती है खांसी हो सकती है नाक में से पानी टपक सकता है, तो इसको मतलब आपको घबराना नहीं है मतलब चिंता की करने की कोई बात नहीं है, आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको मतलब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, फायदा मिलेगा ही मिलेगा, तो ये मतलब जो भी मतलब था मैंने जानकारी आयुर्वेद ग्रंथों में बताया था, और मेरा कुछ अनुभव था जातेदी तेल के विषय में वो मैं आप लोगों को बताया, तो आप लोग इसका मतलब प्रयोग करिए और इसका परिणाम भी मतलब बताइए। वंदे मातरम। जीतू भाई जी, 5 से 7 मिनट हम लोगों के पास है, तो अन्य सदस्यगण जो प्रश्न करना चाहें वो अपना प्रश्न कर सकते हैं और वैद्य से।
अपना प्रश्न रख के उत्तर पा सकते हैं। वैद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वैद जी शुद्ध कुचला किस चीज में दिया जाता है, जैसे कि अपच में दे सकते हैं? नहीं अपच में नहीं दे सकते, अपच में नहीं देना ये ध्यान में रखना है, क्योंकि वो मतलब पेट को मतलब ये क्या करता है, विष्टम कर देता है। इसके लिए जिनको अपचन है तो निश्चित रूप से उनको विष्टम बना रहता है, इसके लिए उनको वहां पे नहीं देना है। जैसे कफ के साथ अपच भी है, हाँ जी कफ के साथ मान लो कफ भी है और अपच भी है, मतलब खाना भी नहीं पचता है, कफ भी है बॉडी में, तो फिर हम नहीं, क्या दें? जैसे नहीं देना है, नहीं दे सकते वहां पे, क्योंकि वहां पे फिर और कब्ज बनने लगता है। तो उसमें क्या हम काली मिर्च, बड़ी पिपली, दालचीनी, सौंठ, मुलेठी ये सब दे सकते हैं? काली मिर्च के साथ में तो दे सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई वैद्य देते हैं, परंतु उसमें थोड़ी मात्रा में आपको देना है, अधिक मात्रा में नहीं देना है। क्योंकि कुचला जी मतलब ऐसा करता है कि बीपी को मतलब क्या करता है, तुरंत मतलब लो कर देता है, ये ध्यान में रखना है। बराबर, जी जी ये एक कुचले का क्वेश्चन जो मतलब और। प्रयोग है ये अधिक मात्रा में बात रोग में, स्नायु रोग में, उसमें मतलब किया जाता है। पेट के जी संबंधी के मतलब रोगों में कुचले का प्रयोग मतलब क्यों करना, उसमें उसके लिए तो बहुत सारी औषधियां है। जी वंदे मातरम वैद्य जी। जी धन्यवाद वैद्य जी। ये जो आपने शहद लगाने के लिए बताया है आंखों में, शहद कोई भी लगा सकता है क्या? हाँ जी कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति भी अपने अच्छा। आंखों में एक एक बूंद मतलब डाल सकता है शायद। तो ये कैसे लगाएंगे, जैसे यूज कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको? नहीं मैंने लगाने की बात नहीं की, मैंने ढालने की बात की, एक बूंद डालना हाँ, है आंखों में। अच्छा आंखों में डालना है। और पुराना शायद है तो चलेगा क्या? नहीं पुराना शायद नहीं, नया वाला जो कि मतलब एक साल नहीं हुआ है वो शायद अच्छा ढालना है। जो शायद मतलब एक साल हो गया पुराना, फिर उसको लेपन के जी लिए मतलब काम आता है, लेपन के लिए मालिश के लिए काम आता है। अच्छा वो खाने में भी हम यूज कर सकते हैं पुराना शायद ना? नहीं पुराना शायद को खाने में यूज नहीं किया जाता। अच्छा उसको नया मतलब करते तो है, परंतु आयुर्वेद ग्रंथों में ऐसा कहा गया कि नहीं करना चाहिए। अच्छा धन्यवाद भाई जी। जी वंदे मातरम। हेलो भाई जी। वंदे मातरम। हाँ जी वंदे मातरम। वैद्य जी आपने अभी जात्यादि तेल के बारे में बताया, तो जात्यादि जी घृत भी आता है, तो दोनों का एक ही काम है या अलग है? नहीं दोनों का मतलब काम तो एक ही है, परंतु जो तेल मतलब मैंने बताया यहाँ पे वो मेरा अनुभव के इसलिए मैंने बता दिया। जात्यादि घृत के ऊपर मैंने कभी अनुभव नहीं किया, और मैंने जात्यादि तेल मुझे भी नहीं मालूम था कि जात्यादि तेल लगाने से भी मतलब कोई बेहोश भी मतलब ठीक हो जाता है। वो तो मतलब उसका पहले से पड़ा हुआ था, एक साल पहले का, उसको मैंने बवासीर में दिया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे घर में तेल है तो मैं तेल लगा देती हूँ, क्योंकि मतलब फिर मतलब मुझे फिजूल खर्च करना पड़ेगा, तेल खरीद के लाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मतलब होता है ना, अरे मेरे घर में तो पड़ा है मैं उसको पहले खत्म कर देती हूँ फिर बाद में लेती हूँ। तो इसके लिए उन्होंने मतलब प्रयोग करा दिया, और उनको तो मतलब पढ़ना लिखना आता नहीं है। पहले के जो महिलाएं होती है जो मतलब आजकल मतलब देखेंगे जिनको 60-65 मतलब जिनकी आयु है, वो पहले कहाँ पढ़े लिखे होते थे, वो निरक्षर रहते थे, तो वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन्होंने प्रयोग करा दिया और परिणाम अच्छा आया, तो उन्होंने बोल दिया था ये तो अच्छा हो गया, फिर मतलब अभी प्रयोग करूँ क्या? तो मैंने बोला कि वो लेके आओ कौन सा तेल, मतलब मैं भी तो जानू कि मतलब मैंने तो कई सारे नाम ले लिए थे उनके सामने, तो मैं भी मुझे तो पता चले कि कौन सा तेल से मतलब एक ही बार में मतलब चमत्कार परिणाम मिला। देखा तो जात्यादि तेल था, ऐसा हो गया, ये इत्तेफाक से हुआ है, संयोग बस जी। वैद्य जी एक और प्रश्न है, ये हाँ जी मेरा दाहिना हाथ का केहूनी जो है वो पूरा सीधा नहीं होता लगभग एक साल से, और अगर ज्यादा जोर से उसको हाँ और उसमें अगर झटका लग जाता है तो दर्द एकदम असहनीय दर्द हो जाता है, फिर 5 मिनट में दर्द खत्म भी हो जाता है जी। इसके लिए आपको क्या करना है, नारद दिया लक्ष्मी विलास रस दो गोली, लक्ष्य गुगुल दो गोली, और महायोगराज गुगुल दो गोली, तीनों में से दो दो गोली आपको यदि आप चाहे तो मधु के संग ले सकते हैं या तो गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। इसको खाली पेट में लेना है, दिन में 2 से 3 बार तक लेना है, और इसको लगभग 15 दिन लीजिए, और 15 दिन के बाद में बताइए, क्योंकि 15 दिन के बाद में फिर से औषधि आपको मैं बदल कर बताऊंगा। ठीक
है, एक बार फिर से बता दीजिए। महायोगराज गुगुल दोगली, नारदीय लक्ष्मी हाँ विलास रस दोगली, लक्ष्य गुगुल दोगली। आप इसको अपने सुविधा के अनुसार मधु संग ले सकते हैं, गर्म पानी संग ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा से लीजिए, जिससे आप मतलब सेवन अच्छे से कर सके। दिन में 2 बार। दिन में 2 बार 3 बार, अभी पहले 3 बार लीजिए, 15 दिन के बाद में जब औषधि बदल देंगे तो उसमें 2 बार लीजिएगा, अभी 3 बार ले लीजिए क्योंकि आपको ज्यादा दर्द कर रहा है। ठीक है। हेलो भाई धन्यवाद जी। भाई। हाँ जी, वंदे मातरम। ये ये आपका आपका अंतिम प्रश्न होगा, तो ये हम अंतिम प्रश्न लेंगे क्योंकि वैजी का समय हो रहा है, तो कृपया आप प्रश्न रखें। मैं जी हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हेलो सर, वो दिन मैं दीपन पाचन जो बताए थे चूर्ण के बारे में सर, पारस गंधक वाला, जी तो उसमें जो गिलोय का रस जो है सो कितना, आदि का रस, ये सब कितना देना होगा सर? अच्छा भैया, आप जी जी ये वो वीडियो मतलब देख लीजिए, सुन लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बताया है जी कितनी बार सुने मतलब तो कौन सा मतलब भाव रंजनी है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया है। ओ, थोड़ा सा हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए पूछ दिए थे सर कि तो गिलोय का मुझे कितना देना है। आप इसके लिए मुझे व्यक्तिगत संपर्क करिए, तो मैं बाद में बता दूंगा कल सुबह में। ठीक 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 सर। मैं जी, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा वैद्य जी के मतलब कि आयुर्वेद विषय पे आलोचना सत्र में। उसमें आएंगे तो ठीक नीचे आपको आएंगे तो आपको दीपन पाचन चूर्ण का एक वीडियो मिल जाएगी, जी उसको जी देखें, वीडियो डाउनलोड करके भी रख लें, आगे भी औरों को भेजें, तो उसमें सारी विधि वैद्य जी बता दी है, तो उसे सुनेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक ठीक सर। जी तो आज का सत्र का हम यहीं पे समापन करते हैं वैद्य जी, अगर दी अनुमति हो जाए तो। ठीक है जी जी सर। जी जी तो आज के सत्र के लिए बैच जी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। और आज का जो सत्र है इसमें हमने 3 विषय को आज हम सभी ने आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी सदस्यगण के माध्यम से हमने पूरा किया हम सभी। तो आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बैच जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्र संपन्न हुआ, तो मैं कोई बहन शायद संभव नहीं है शांति पाठ कराने के लिए, तो क्या रीना बहन आप शांति पाठ करा सकती हैं? रीना दीदी सुन पा रही हैं? चलिए दीदी स्वाति शायद स्वाति स्वाति बहन। स्वाति बहन है कोई? स्वाति हाँ जी भैया, ठीक दीदी शांति पाठ कराएं, है भैया। गुड़िया हो तो साथ में ले लें उनको भी। गुड़िया नहीं है भैया, चलो ठीक है। आइए सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को वंदे मातरम, धन्यवाद। जी वंदे मातरम। मैं क्षमा चाहता हूँ, खेद है मुझे। मुझे एक विषय मतलब याद आ गया जिसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, विवश हूँ। ये जो मतलब जो किडनी फेलियर के जो जी मूर्छा रोग होता है ना जी, इसमें बहुत अच्छा मतलब प्रयोग होता है। जैसे हमारे बड़े भाई गोविंद भैया, दीपक भैया सब मतलब जो बताते हैं ना, घरेलू नुस्खा मतलब मुफ्त का जो मतलब जो भी प्रयोग है, एक प्रयोग मुझे बहुत अच्छा से याद आया कि जो मतलब निरगुंडी, आप लोगों को मालूम है निरगुंडी का जो पौधा है उसका मतलब पत्ते लेके आइए, और उसका पत्ता आपको मतलब कभी भी लेके आना है परंतु सुबह के समय लेके आना है, और उसका पत्ता लेकर के आकर आपको क्या करना है, उसको छाया में सुखा देना है। छाया में सुखा करके उसको तकिया बनाइए, और तकिया बना करके उसको रोगी को लेटा दीजिए। इससे मतलब क्या क्या फायदा होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि इतना मालूम मामूली सा दिखने वाला पेड़ का पत्ता इतना अच्छा, पहली बात है कि बेहोशी को दूर करता है ये, किडनी फेलियर के रोगी का बेहोशी को दूर करता है, और जिनको बार बार मतलब भयानक सपने आते हैं रात में वो सपने को दूर करता है, और जिनको मतलब दांत कड़कड़ाने लगते हैं रात में, बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, तो वो भी मतलब ठीक कर देता है। साथ में जो बावले होते हैं ना, या तो नींद में चलने की जिनको बीमारी है, या तो जिनको नींद नहीं आती,
या तो रात में जिनको मतलब सर में दर्द होने लगता है अचानक, और सर में मतलब चक्कर आने लगता है, या तो मतलब स्मरण शक्ति की कमी रहती है, या तो मतलब सर में ऐसा लगता है कि सर गरम गरम मतलब अनुभव होता है, सर में से मतलब आग का गोला लपेट मतलब निकल रहा हो लपटे ऐसा मतलब अनुभव होता है, या तो मतलब जब सोने जाते हैं तो मतलब सुबह में फिर जिनका आंख खुलता नहीं है एकदम गोंद जैसा चिपक जाता है बराबर, और जिनको मतलब सर से लेकर के मतलब गर्दन तक दर्द मतलब धब 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 ऐसा मतलब दर्द बना रहता है, तो ये सभी मतलब ये लक्षणों के सभी मतलब रोगों में केवल निरगुंडी का पत्ता जो है आप इसका तकिया बना के मतलब प्रयोग करिए, फिर मुझे बताइए कि इसका मतलब परिणाम क्या है, मतलब ये मुझे मैं भूल गया था, याद आ गया तो मैं बता दिया। और ये जो प्रयोग है ना ये मेरा प्रयोग नहीं है, ये लगभग मतलब जो उत्तराखंड के कुछ आदिवासी महिलाएं हैं और छत्तीसगढ़ की कुछ मतलब महिलाएं आदिवासी महिलाएं ये इनका प्रयोग करती है, और मुझे एक वैद्य के माध्यम से ये मुझे पता चला था, जिन वैद्य का नाम है नीलांचल दास, ये मतलब वैद्य का नाम है, मैं वो वैद्य का भी मतलब प्रणाम करता हूँ यहाँ से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, और ये लगभग 8-9 साल पहले मुझे बताया था ये प्रयोग, मैं भूल गया था बताने के लिए, तो आप लोग इसका मतलब तकिया बना के प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में भी, क्योंकि ये बड़ा मतलब मामूली सा दिखने वाला है परंतु ये साधारण सा औषधि आपको असाधारण मतलब प्रतिभा वाला आपको फल परिणाम देगा। ठीक है जी, वंदे मातरम आप सबको, शुभ रात्रि। जी, तो बै जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि वंदन नमन। और अंतिम समय में भी बहुत ही अच्छे दिव्य औषधियों के बारे में बताया उन्होंने। तो सभी माताएं बहनें भाई बहन ध्यान रखें इन चीज़ों का, अनिल तकिया बना के जरूर प्रयोग करें, और इस तकिए का अनुभव सभी शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ अपने परिवार में दें, जिससे कि यह जो अनुभव है और तकलीफ बढ़ जाए। तो आप बढ़िया सभी को वंदे मातरम। गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी